आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मुझे पता है काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है, काफ़ी महीनों बाद वीडियो आ रहा है। तो एक्चुअली कुछ पढ़ाई से रिलेटेड काम के लिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज से अगेन रेगुलर वीडियोस आएंगे जैसे डेली पहले आया करते थे। तो वैसे ही वीडियोस आपको फिर से मिलना चालू हो जाएगा एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे शायद एक वीडियो बना के बता देना चाहिए था आप लोगों को, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि काफ़ी मैंने से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे अगर वो थोड़ा सा शेयर कर देंगे इस वीडियो को तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं उड़ीसा एफ सी के बारे में। तो उड़ीसा एफ सी ने ऑफिशियली साइनिंग कंप्लीट कर लिया है हुगो बुमोस का। अब बुमोस का ये जो साइनिंग है ये नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइनिंग है उड़ीसा के लिए, क्योंकि लोबेरा बुमोस का ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा है कितना ज़्यादा बढ़िया काम करता है। बुमोस को इंडियन फुटबॉल में लाने वाला भी खुद सर्जियो लोबेरा थे। सो वो एक क्लासिक कॉम्बिनेशन हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाला है। इस साल उड़ीसा का परफॉर्मेंस, मतलब लास्ट सीजन उड़ीसा का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बोल सकते हो कि मतलब कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा था, ऐसा एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया था उड़ीसा ने, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी गंदा डिप का सामना करना पड़ा। मतलब स्टार्टिंग ठीक ठाक था, फिर वो उन्होंने एक पीक टच किया, फिर वो गिर गए, और जो वो गिरे वो इतना गंदा गिरे कि वहाँ से रिकवर ही नहीं कर पाए। और उसके पीछे मुर्तादा फॉल का ना चलना और मुर्तादा फॉल के ऊपर डिफेंस कितना ज़्यादा निर्भर था ये भी दर्शाता है। बड़ा हुगो बुमोस नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइनिंग है उड़ीसा के लिए, और ओवरऑल टीम के जो अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन में प्लेयर्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो कंट्रोल हुगो बुमोस का बहुत अच्छा है। सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि बुमोस का परफॉर्मेंस उड़ीसा में जो नेक्स्ट सीजन है उसमें कैसा रहता है, क्योंकि बुमोस का भी अगर हम लोग परफॉर्मेंस देख ले लास्ट सीजन तो मोहन बगान में मतलब ठीक ठाक था। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, ऐसा भी नहीं बोलूंगा बहुत खराब था। मोहन बगान ने एक टाइम बाद तो बुमोस को ड्रॉप ही कर दिया था स्क्वाड से, तो वो भी काफी बड़ा फैक्टर बन जाता है। बड़ा क्योंकि आपको पता है हबास और बुमोस का ये डुओ बनता नहीं है, सो इसी की वजह से बुमोस को ड्रॉप कर दिया गया था। बड़ा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बुमोस का परफॉर्मेंस उड़ीसा में कैसा रहता है। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफर दिया है नन अदर देन ग्रेग स्टीवर्ट को। अब ग्रेग स्टीवर्ट को एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर, एक लुक्रेटिव डील ऑफर किया है, और ग्रेग स्टीवर्ट डेफिनेटली उसके बारे में सोचेगी, क्योंकि ग्रेग स्टीवर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है। और अगर ग्रेग स्टीवर्ट आते हैं मोहन बगान में तो नो डाउट एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइनिंग होगा। अब बस इमेजिन करो ग्रेग स्टीवर्ट मोहन बगान में, ऑलरेडी अगर हम लोग देख ले तो स्कॉटिश प्रीमियरशिप में जा चुके थे, और वहाँ से मोहन बगान इनको अगर वापस लाते तो नो डाउट एक काफ़ी शानदार साइनिंग हो सकता है। सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। लेकिन ग्रेग स्टीवर्ट को लाने का एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज वो किसी भी क्लब में होगा वो होगा कि उनका वर्सिटिलिटी, इतने सारे पोजिशन में वो इतने आराम से फिट हो सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल फॉरवर्ड हो, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, जरूरत पड़ने में अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। जो अटैकिंग पूरा पोर्शन है ना ग्रेग स्टीवर्ट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और मोहन बगान में अगर आते तो अनडाउटेडली एक बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइनिंग होने वाला है ये। और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फाइनली ग्रेग स्टीवर्ट मोहन बगान का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अनवर अली के बारे में। तो इस ट्रांसफर मार्केट पे वन ऑफ द मोस्ट हॉट प्रोस्पेक्ट है अनवर अली, क्योंकि इनके ऊपर जो खतरनाक लड़ाई चल रहा है, खतरनाक लड़ाई चल रहा है दो राइवल क्लब्स के बीच में, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। तो थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देता हूँ, तो वैसे मोहन बगान के साथ अनवर अली का 3 साल का लोन डील था, लेकिन एज बिकॉज फीफा ने एक नया रूल निकाला है कि कोई भी प्लेयर 1 साल से ज़्यादा एक क्लब में एज अ लोन डील नहीं रह सकते, तो इसी की वजह से वो जो लोन डील था 3 साल का तो वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स करेगा, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी की वजह से अनवर अली फिर से दिल्ली में वापस जा चुके, लेकिन वो दिल्ली एफसी में फॉर श्योर रहने नहीं वाले, वो आईएसएल में ही खेलेंगे। और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है अनवर अली को पिछले 2 हफ्तों से, वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, बहुत डेडली लड़ाई चल रहा है इंटरनल, पॉलिटिक्स आप बोल लो, इन्फ्लुएंस आप बोल लो, दोनों क्लब अपना जी जान लगा रहे हैं कि अगर अनवर अली को अपनी टीम में लाना है। मोहन बगान तो डेफिनेटली लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अनवर अली का इंपॉर्टेंस डिफेंस में कितना ज़्यादा वाइटल है मोहन बगान के लिए, उनका पूरा डिफेंस का स्ट्रक्चर अनवर अली के ऊपर डिपेंडेंट है। और ईस्ट बंगाल भी दूसरी तरफ वो भी यही सोच रहे कि यार अगर अनवर अली का साइनिंग वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका जो डिफेंस है वो सेटल डाउन हो जाएगा, उनको डिफेंस को लेके और चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन डिफेंडर यार हर एक क्लब का वो एक डिमांड होता है कि इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डिफेंडर आप
लाइक यू नो अपने क्लब में रखना चाहोगे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली अनवर अली कौन से क्लब में जाते हैं, बट मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ जिस भी क्लब में वो जाएंगे इस साल ISL के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर बनने वाले अनवर अली। ऑलरेडी मोहन बगान का टीम इतना स्ट्रांग है, अपुइया जैसे प्लेयर्स हैं, दिक्कत ही होना चाहिए, लेकिन डिफेंस लाइक डिफेंस एक अलग फैक्टर बन जाता है। अपुइया डिफेंडर नहीं है, डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं। सो अनवर अली डेफिनेटली देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में क्या किस तरीके से इस ट्रांसफर का यू नो रुख बदलता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं FC गोवा के बारे में। तो FC गोवा ने फाइनली साइनिंग कंप्लीट कर लिया इकर गौरक्सेना का। तो इकर गौरक्सेना वापस आ चुके FC गोवा में, गोवा से उन्होंने स्टार्ट किया था, मुंबई में गए, फिर वो गोवा में वापस आ चुके हैं। और इकर गौरक्सेना अच्छा साइनिंग होगा गोवा के लिए, मतलब अच्छा साइनिंग है गोवा के लिए, ऐसा नहीं कि खराब साइनिंग है। लेकिन इस साल ना मतलब इस ट्रांसफर मार्केट में गोवा उतना ज़्यादा एक्टिव है नहीं। ऑल्दो गोवा का ऐसा नहीं कि बहुत लाइक परफॉर्मेंस अच्छा था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस लास्ट सीजन नो डाउट काफ़ी बढ़िया था, लेकिन लाइक उम्मीद रहता है ना कि और बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। लेफ्ट विंग पोजिशन के प्लेयर है 31 ईयर्स एज, इनका डील कंप्लीट हो चुका है और अभी के लिए तो एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इकर गौरक्सेना ने FC गोवा के साथ। 3.2 करोड़ इनका मार्केट वैल्यू है। अगर हम लोग पिछले क्लब्स देख ले तो इन्होंने जैसे पहले मुंबई में खेला है, गोवा में तो ऑलरेडी खेला ही है, इससे पहले CYD लियोन स्पेन में काफ़ी साल खेला है। सो जिम्मेदारी है उनके ऊपर, क्योंकि लाइक नुआ सदाई के लेके थोड़ा सा अभी भी डाउट है। सो जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है इकर गौरक्सेना के ऊपर। अब बाकी तो खैर परफॉर्मेंस मैटर करता है, ये हर क्लब में आप कितने आपका मार्केट वैल्यू है, आपने कौन से क्लब में खेला है, ये कुछ मायने नहीं रखता अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो। सो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और लास्ट सीजन तो खैर इंजरी की वजह से इकर गौरक्सेना बाहर हो गए थे, देखते हैं कि इस सीज़न इकर गौरक्सेना का परफॉर्मेंस FC गोवा में कैसा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना एक काफ़ी डेडली कॉम्बो को अपने टीम में शामिल करना चाहता है। आपको पता होगा कि इस साल स्पेन ने यूरो जीता है, खतरनाक परफॉर्मेंस स्पेन का, लाइक ना पीक डोमिनेशन दिखाया यूरो में। सो यूरो जीतने के पीछे स्पेन के दो प्लेयर्स या एक कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा हाथ था अटैक में, वो था निको विलियम्स और लामिन यमाल। सो लामिन यमाल तो ऑलरेडी बार्सिलोना में है ही, और निको विलियम्स को बार्सिलोना अपनी टीम में लाना चाहते। अब एथलेटिक बिल्बाओ उतना इंटरेस्ट तो है नहीं कि वो निको विलियम्स को रिलीज कर दे, क्योंकि उनके स्टार प्लेयर, उनके की प्लेयर, कोई भी क्लब अपने की प्लेयर को रिलीज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बार्सिलोना अपना पूरा जी जान लगा रहे क्या निको विलियम्स का साइनिंग वो इस ट्रांसफर मार्केट में कंप्लीट कर सके, ताकि ओवरऑल उनका अटैक खतरनाक बन जाए। और ये ऑलरेडी एक सेट डुओ है, तो आप जब सेट डुओ को खिलाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छा है। सो बार्सिलोना ने इसीलिए ट्राई करे निको विलियम्स को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लामिन यमाल के ऊपर भी कुछ क्लब्स इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन लामिन यमाल एकदम सेफ है बार्सिलोना में, बार्सिलोना को कोई हाथ तक नहीं लगाने देंगे। और इतने यंग प्लेयर है, दोनों ही बहुत यंग प्लेयर है, लाइक लामिन यमाल तो कोई ज़्यादा ही यंग प्लेयर से 16 साल एज है उनका। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फाइनली निको विलियम्स का साइनिंग बार्सिलोना सिक्योर कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो फिलिप्स के बारे में। तो एथलेटिको मैड्रिड के काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो फिलिप्स के ऊपर दो क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, और दोनों ही प्रीमियर लीग के क्लब्स है, और वो दो क्लब्स है आर्सेनल और एस्टन विला। अभी खैर काफ़ी बेसिक स्टेज में है, तो इसको लेकर अभी कुछ भी एकदम डायरेक्ट जजमेंट देना मुश्किल होगा, बातचीत चल रहा है। सो देखते हैं कि जो फिलिप्स फाइनली कौन से क्लब में जाते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों बीच में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना।